ओके, okay. so, चलो ओके okay. क्लियर है सब आवाज दे तो है सगड़ क्लियर है डन सो so, दोस्तों हम बात करने वाले आज माइटोसिस मियोसिस एंड देन फर्टिलाइजेशन के बारे में और हाउ कैन वी कनेक्ट दट माइटोसिसकेट डिस्कस बिफोर दैट लेट डिस्कस दट इज बाय सेल साइकिल कॉन्सेप्ट शुरू करते है वट इज बाय सेल साइकिल नाम का एक कॉन्सेप्ट है बात करेंगे व्हाट इज बाय सेल साइकिल फिर बात करेंगे व्हाट इज मीन डिवीज़न और फिर बात करेंगे टाइप ऑफ़ सेल 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 डिवीज़न। बाय दोस्तों, मींस आर द बोले तो ये ऐसी प्रोसेस है जो सपोज एक जगह पे शुरू हो गई मान लो ये यहां पे शुरू हो गई है तो ये शुरू हो जाएगी और फिर यही पे एंड हो जाएगी इस प्रोसेस को कहते हैं साइकिल ओके वो यहां पे शुरू हुई थी दोस्तों यहां पे शुरू हो गई ये प्रोसेस और फिर उसी जगह पे अगर वो एंड होती है तो दैट प्रोसेस इज कॉड दोस्तों साइकल एज अ साइकिल तो सेल की भी एक साइकिल दीज आर द इसमें क्या होता है सीरीज ऑफ इवेंट्स ओके इन विच सेल डुप्लीकेट्स और रिप्लीकेट इट्स डीएनए सिंथेसाइज इट्स सेल ऑर्गेनल एंड अंडर गो दोस्तों सेल डिविजन और इन टू टू डॉटर सेल इसे कहते हैं सेल साइकिल इसे क्या कहेंगे दोस्तों सेल साइकिल सेल साइकिल क्या है मैं आपको समझाता हूं वट इजन बाय सेल साइकिल सो सेल साइकिल इज दीज दीज आर आर दोस्तों सिक्वेंशियल इवेंट्स सिक्वेन सिक्वेंशियल इवेंट्स दीज आर द सिक्वेंशियल इवेंट्स इवेंट्स ओके

ल ऑर्गनल एंड अदर सेल ऑर्गे इट डीएनएर सेल साइकिल एंड एवेंचुअली बाद में इवेंचुअली डिवाइड डिवाइड इंटू इंटू टू डॉटर सेल हम माइटोसिस की बात करेंगे तो टू डॉटर सेल्स इसे कहते हैं सेल साइकिल एक सेल एज इट ग्रोज अ सेल व्हेन इट मैच्योर इट ग्रोज लेटर ऑन आफ्टर द रीचिंग मैच्योरिटी इट इज डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल तो एक सेल साइकिल ये कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों याद रखो ये जो सेल साइकिल है इसका बेसिक ये कॉन्सेप्ट होता है और ये सेल साइकिल है ना इस सेल साइकिल इस सेल साइकिल में बेसिक दो फेजेस होते हैं दोस्तों एक फेज है मेन और जो होता, इसे है, यम फेज, और एक है, फेज. फेज है, होता है इंटरफेज या फिर इंटरफेज है इंटरफेज और दूसरा दोस्तों दट इज अम फेज यम फेज और दिस यम फेज इज नथिंग बट माइटोसिस माइटोसिस और माइटोटिक फेज फेज ऑफ सेल डिजन दिस जैसे ही बने जैसे वो सेने दोस्तों जस ती बन तस ती वे फेजेस मध्य जाइल मगर फेजेस मे बेसिकली डिवाइडेड इज इंटरफेज एंड यम फेज यम फेज मे माइटोसि है जरा लक्ष दी जो इंटरफेज है ये दुसरे दोन न ये है दोस्तों रेस्टिंग फेज इथं सेल रेस्ट करत असते रेस्टिंग फेज किंवा याला एक दुसरं नाव प्रिपरेटरी फेज म्हणजे सेल्स प्रिपेअर इट सेल प्रिपरेटरी फेज सेल प्रिपेअर इट सेल फॉर द नेक्स्ट डिव्हिजन आणि इथं यम फेज मध्ये ऍक्च्युअल म्हणजे इट इज इट इज फेज ऑफ सेल डिव्हिजन इट इज अ फेज ऑफ ऑर ॲक्च्युअल सेल डिव्हिजन फेज ऍक्च्युअल सेल डिविजन इत तो हो डिजन ऑकर इन फेज बेसिक बोलो यान यम फेज खूब शॉर्ट मध्य डिटेल मध्य नहीं पर बेसिक तो यह सेल साइकिल वन तो दोस्तों ये क्या होता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं सेल साइकिल को नाउ सपोज मान लो ये है सेल ये है दोस्तों सेल नाउ ये सेल का एक लाइफ स्पैन है ये सेल का एक लाइफ है दोस्तों मान लो यहाँ से शुरू हुआ है जैसे जैसे वो सेल आगे बढ़ रही है ग्रो हो रही है और फिर से यही पे आ जाती हो और इसमें दोस्तों अगर देखा जाए इसमें अगर देखा जाए तो दो फेजेस है ना सपोज मान लो ये जो ये है ये दो फेजेस में डिवाइड किया है मान लो ये है यम फेज और बाकी पूरा ये इंटरफेज है ये यम फेज है इतना छोटा सा दिस इज एन यम फेज और बाकी पूरा इंटरफेज है यह है सेल साइकिल मान लो दिस इज एन यम फेज ये है यम फेज इतना सा और बाकी पूरा ये इंटरफेज है बट दिस इंटरफेज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू इसके तीन टाइप है दोस्तों दैट इज वन फेज यस फेज और जी टू फेज वन फेज यस फेज और जी टू फेज ग्रोथ वन फेज सिंथेसिस फेज जी टू फेज क्या नाम है इनके दोस्तों इनके नाम है अ इनके नाम है इसका नाम इसीलिए ये रखा गया दोस्तों क्योंकि यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस होता है पे होता, yes में, और ये जो ये पूरे जो तीन फेजेस yes है जीवन एस और जी2 दिस आर द सब टाइप ऑफ दोस्तों किसके सब टाइप है इंटरफेस के इंटरफेस के सब टाइप है और यहाँ पे ये यह जो यम फेज है एक्चुअली यहाँ पे सेल डिवीजन होता है और यहाँ पे इसके सब टाइप होते हैं दोस्तों दैट इज आई पीएमेट प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज एंड एना टेलोफेज और एक्चुअल में फिर यहां पे साइटोकाइनेसिस होता है ये मान लो ये है प्रोफेज प्रोफेज मेटाफेज मैं आपको समझाता हूं क्या है प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज एनाफेज और दोस्तों टीलोफेज टीलोफेज और एक्चुअल में ये न्यूक्लियर फेज होता है और यहां पे होता है दोस्तों एक्चुअल में दैट इज अ साइटोकाइनेसिस ये है साइटोकाइनेसिस दिस इज एन साइटोकाइनेसिस नाउ प्लीज पेटेंशन और ये पूरा मैक्सिमम जो ड्यूरेशन है ये पूरा यहां से एक सेल हुई दोस्तों तो यहां से यह पूरा होने से ये दो सेल इससे ये जो एक सेल थी अभी इससे कैसे सेल बनेंगे इससे बनेंगे दोस्तों दो सेल इससे बनेंगे दो सेल ये जो एक सेल ने जर्नी शुरू की थी इससे दिस इज एन सेल साइकिल ओके एक सिनारियो है ये एक सिनारियो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं ये एक सिनारियो दोस्तों ये जीवन का मतलब होता है दैट इज अ ग्रोथ फेज वन ग्रोथ फेज वन यहां पे है दैट इज अ ग्रोथ फेज टू कोई लोग इसे गैप फेज भी बोलते हैं ग्रोथ फेज टू और यस का मतलब है दोस्तों दैट इज अ सिंथेटिक फेज और सिंथेसिस फेज सिंथेटिक फेज मंजे यस फेज वेर डीएनए सिंथेसिस होता है इसलिए उसका ये नाम है फिर से एक बार जाते हैं और इन तीनों को इन तीनों फेज को मिला के बोला जाता है दोस्तों इन तीनों को दैट इज अ ये तीनों जो है दैट इज यस और जी टू इन तीनों को मिला के बोला जाता है इंटरफेज तो ड्यूरेशन ऑफ इंटरफेज इज वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ इंटरफेज इज वेरी लॉन्ग आगे बढ़ते आगे बढ़ते नाउ जरा लक्ष्य दा, पर देख दा तो तथस दैट इज सेल साइकिल बेसिक का गोष्टी जरा लक्षा सेल साइकिल लाइफ स्पैन ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल एक सेल बनी है तो उसके दो फेजेस होंगे एक तो जैसे ग्रो हो जाएगी वो इंटर फेज में या फिर बाद में अगर डिवाइड होनी है तो यम फेज में भी जाएगी लक्ष्य फेज ना एक फेज इंटर फेज दैट इज अम फेज इंटर इंटरफेज यम फेज फेज एक्चुअल सेल डिजन तो इंटर फेज मध्य रेस्टिंग फेज है तीन सब टाइप लक्ष्य ठे हे एंटरफेज चे तीन फेज असतात दॅट इज अ जीवन फेज इथं तयारी करते सेल डिवाइड होण्याची दॅट इज यस yes फेज इथं आणि जीवन आणि मध्ये प्रोटीन आणि हे सिंथेसिस हे आहे जी टू फेज जी टू फेज इकडे प्रोटीन आर एन ए तयार होतात आणि यस फेज मध्ये डीएनए तयार होतात आणि या यम फेज मध्ये ऍक्च्युअल सेल डिव्हिजन होतो पण कुठल्याही सेलचं जर सेल डिव्हिजन होणार असेल जरा लक्ष द्या सपोज ही सेल आहे मुलांना कुटल ही सेल का सेल डिजन होना रसल, तो हा सेल हाथी सा न्यूक्लियस है हाथी सा साइटोप्लाजम समझा इमेजिन करा ये है उसका साइटोप्लाजम तो अगर कोई भी सेल जब डिवाइड होती है तो पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है पहले क्या डिवाइड होगा उसका न्यूक्लियस लाइक दिस सपोज ये ऐसे डिवीजन होने वाला है तो इट विल बी लाइक दिस पहले दोस्तों डिवाइड होता है न्यूक्लियस और उस जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो इसे कहते हैं न्यूक्लियर डिवीजन इसे कहते हैं न्यूक्लियर डिवीजन और इन टेक्निकल टर्म इसे कहते हैं कैरियो फिर धीरे धीरे दोस्तों न्यूक्लियस डिवाइड होना होता है पहले इसे कहेंगे दैट इज और बाद में कुछ ऐसा बन जाता है सेपरेट सेल बन जाते हैं धीरे धीरे ये हो गया दोस्तों कैरियोिस धीरे धीरे फिर होता है साइटोकाइनेसिस मीन डिवीजन ऑफ साइटोप्लाजम और बाद में दो अलग सेल ही बनते हैं बाद में दो अलग सेल ही बनते हैं दोस्तों सपोज दिस इज वन सेल एंड दिस इज अनादर सेल और ये उनके सेपरेट न्यूक्लियस ओके तो पहले डिवाइड होता है न्यूक्लियस और बाद में डिवाइड होता है साइटोप्लाज्म मुझे यही बताना है पहले डिवाइड होगा दोस्तों न्यूक्लियस और बाद में डिवाइड होता है साइटोप्लाज्म पहले डिवाइड हो गया न्यूक्लियस और ये है बाद में साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है याद रखो पहले डिवाइड हो गया न्यूक्लियस बाद में साइटोप्लाज्म डिवीजन होता है ये यम फेज में ही ऐसा ही है दोस्तों डिवाइडेड इन टू याद रखो इसके तीन फेजेस होते डिविजन ऑफ न्यूक्लियस उसका दूसरा नाम है कैरियो का इसका दूसरा नाम क्या है कैरियो ऑन कैरियो मीन न्यूक्लियस का मूवमेंट सो कैरियो का न्यूक्लियर डिविजन ओके और दोस्तों दैट इज साइटोप्लाज्मिक डिवीजन एक होता है न्यूक्लियस डिवीजन होने के बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन इसका दूसरा नाम है दैट इज अ साइटोकाइनेसिस इसका दूसरा नाम क्या है दैट इज अ साइटोकाइनेसिस समझे साइटोकाइनेसिस है साइटोकानेसिसम फेज और न्यूक्लियर फेज में फर्दर कुछ बातें हैं याद मत रखो जस्ट रिमेंबर दिस कि न्यूक्लियर फेज में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं दोस्तों दे आर फोर फेजेस और वो होते हैं पी मैट पी मैट बोले तो प्रोफेज प्रोफेज मेटाफेज जस्ट नाम याद रखो बाकी कुछ नहीं प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज और दोस्तों टीलोफेज प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज और टीलोफेज हम बात कर रहे हैं यंग फेज यानी हम बात कर दोस्तों माइटोसिस की हम बात कर रहे माइटोसिस की एक्चुअल सेल डिविजन की ये होता है ये याद रखो और ये है साइटोकाइनेसिस पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा फिर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा पहले दोस्तों न्यूक्लियर डिवीजन होगा और फिर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा मान लो दिस इज एन न्यूक्लियस दिस इज एन न्यूक्लियस और मान लो दोस्तों दिस इज एन साइटोप्लाज्म दिस इज एन साइटोप्लाज्म बेसिक चीजें क्लियर है बेसिक चीजें क्लियर हो रही है सेल साइकिल मींस लाइफ स्पैन ऑफ सेल सेल क्या है

म्हणजे सेल सायकल एक मोठा इव्हेंट आहे त्याच्यामध्ये एक पार्ट आहे सेल डिव्हिजनचा मग ह्या सेल डिव्हिजन मध्ये सेल डिव्हिजन मध्ये दोन टाईप असतात हे जे बेसिक सेल डिव्हिजन आहेत याच्यामध्ये बेसिक दोन टाईप आहेत सेल डिव्हिजन याच्यामध्ये बेसिक दोन टाईप आहेत एक आहे मायटोसिस आणि दुसरा आहे मिओसिस मायटॉसिस आणि मिऑसिस मायटोसिस माइटोसिस ने दूसरा है मियोसिस अतः जरा लक्ष्य दें ना माइटोसिस और मियोसिस क्या होता है दोस्तों माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच अ पैरेंट सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल यहां पे क्या होता है पैरेंट सेल इज डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल बेसिक नाउ व्हाट इज मीन बाय माइटोसिस दोस्तों ओके इन माइटोसिस पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स

तो ये हो गया दोस्तों माइटोसिस दिस इज एन माइटोसिस दिस इज एन माइटोसिस और यहां पे क्या कॉन्सेप्ट है सपोज मान लो ये पैरेंट सेल मान लो ये पेरेंट सेल एंड नाउ दिस पैरेंट सेल विल अंडरगो दोस्तों अ डिवीजन अ पैरेंट सेल विल अंडरगो डिवीजन टू फॉर्म टू डॉटर सेल इससे दो डॉटर सेल बनेंगे फॉर एग्जांपल मान लो दिस वन एंड दिस वन ये दो डॉटर सेल बने ये उनके न्यूक्लिया ये उनके न्यूक्लियर है सपोज मान लो पेरेंट सेल में दोस्तों ट्वेंटी डिप्लॉयड है पेरेंट सेल और उसमें क्रोमोजोम नंबर है ट्वेंटी तो ये जो डॉटर सेल है उसमें वो भी डिप्लॉयड होंगे और उनमें भी ये भी डिप्लॉयड होंगे दोस्तों डॉटर सेल टू एन और उनमें भी क्रोमोजोम रहेंगे नंबर रहेंगे ट्वेंटी ओके okay? और टू एन ये भी और इसमें भी क्रोमोजोम रहेंगे ट्वेंटी क्रोमोजोम नंबर चेंज नहीं होते इसीलिए क्रोमोजोम नंबर ऑफ डॉटर एंड सेल एंड पैरेंट सेल रिमेन इक्वल इसीलिए इसका नाम है दोस्तों इक्वेशनल डिवीजन इसका दूसरा नाम क्या है इस माइटोसिस दोस्तों इक्वेशनल डिवीजन व्हाई इट नेम्ड इक्वेशनल डिवीजन बिकॉज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पैरेंट एंड ऑटो सेल रिमेन द सेम बेसिक बेसिक नाउ वट इज मीन बाई दोस्तों वट इज मीन बायोसिस Meiosis में क्या होता है फोर डॉटर सेल फोर अ पेरेंट सेल इज डिवाइडेड इंटू फोर डॉटर सेल्सिंग और क्रोमोजोम एज दैट ऑफ द पेरेंट सेल हैंग हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम एज दैट ऑफ एज दैट ऑफ

का एक वन विल दोस्तों डिजन यही पे यही पे क्या होगा मान लो यहाँ पे दोस्तों ये है टू एन उसमें है ट्वेंटी क्रोमोसोम ये ट्वेंटी क्या है नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे जो सेल होंगे इथं जे सेल तयार होतील लक्षात हाफ नंबर ठेव त्यांच्यामध्ये जे क्रोमोझुम नंबर असतील ते असतील हाफ दॅट इज ये होगा एन और क्रोमोझुम नंबर टेन ये और टेन। ये बी एन ऑर क्रोमोझुम नंबर टेन हे असा कॉन्सेप्ट आहे इकडं आणि पुन्हा याच्यापासनं परत परत दोन दोन सेल बनतात त्यांच्यापासूनच टू आहे एक दोन आता टोटल सेल बनल्या चार टोटल सेल किती बनल्या चार ही पण हॅप्लॉईड आहे हॅप्लॉइड म्हणजे यन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोझोम ह्या सगळ्यांमध्ये लक्षात ठेवा एन इज इक्वल टू टेन एन इज इक्वल टू टेन वल टू टेन इतपन एन इज इक्वल टू टेन क्रोमोजोम नंबर हाफ हाउस इकटी होते इकड़े टेन वर ट्वेंटी होते खाली हा बेसिक फरक है माइटोसिड नंबर ऑफ सेल म्यूसिस चार बनाए लगे और माइटोसिस में दो ही बन रहे और माइटोसिस में क्रोमोज नंबर रिमेन द सेम पेरेंट सेल में जो क्रोमोजोम सेल है पेरेंट सेल मीन जो सेल डिवाइड होने वाली है उसे कहेंगे पेरेंट सेल और डॉटर सेल मींस ऐसी जो बनने वाली है जो डिविजन के बाद बनेगी वो है डॉटर सेल ओके आता कड़ा थोड़ा फार. बेसिक उस आता वन बाय वन बोलिया कहते मिओसिस वन एंड तो म्यूसिस टू अस्त ओके मियोसिस का जो है दोस्तों कॉन्सेप्ट इस म्योसिस में ये जो डिवीजन है दिस इज एक्चुअली यहां पे रिडक्शनल डिवीजन होता है और ये जो नीच, नीचे नीचे वाला डिवीजन है यहाँ पे ये दोस्तों मियोसिस टू इट इज समथिंग लाइक माइटोसिस ये माइटोसिस जैसे होता है मियोसिस टू मियोसिस वन इज एक्चुअल रिडक्शन डिवीजन है यहाँ पे एक्चुअल रिडक्शन नंबर क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस होता है ठीक है ओके ओके, ओके। तो दोस्तों ये बेसिक है माइटोसिस और मियोसिस दिस इज एन बेसिक माइटोसिस और मियोसिस खूप बेसिक बोलतोय जरा आणखी जाऊया एक्झॅक्ट काय होतं जरा लक्ष द्या ओके आता जर तुम्ही बघितलं की मी जर परत सांगितलं की हे सेल डिव्हिजनचा कॉन्सेप्ट असा आहे बघा बघा का आता परत एकदा सांगतो हा जो सेल डिव्हिजन आहे हा जो सेल डिव्हिजन आहे ना लक्षात ठेवा ह्याचे बेसिक दोन टाईप याचे बेसिक दोन टाईप काय मायटोसिस आणि दुसरा आहे मियोसिस का बेसिक दोन टाइप दट इज माइटोसिस एंड मियोसिस माइटोसिस मियोसिस मिओसिस मियॉसिस वन एंड मियोसिस माइटॉसिस है दोस्तों इसमें दो टाइप दो दो इवेंट होते एक है न्यूक्लियर डिविजन उसे कहते हैं कैरियोकाइनेसिस डिविजन ऑफ न्यूक्लियस कहेंगे कैरियोकाइनेसिस और बाद में होगा डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म उसे कहते हैं साइटोकाइनेसिस याद रखो उसे कहते हैं साइटोकाइनेसिस और यहां पे दोस्तों फिर ये कैरियोकाइनेसिस में चार इवेंट होंगे दैट इज प्रोफेज प्रोफेज मेटाफेज प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज और दोस्तों टीलोफेज प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज और टेलोफेज याद रखो ये इंपॉर्टेंट है प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज ये मियोसिस के दो टाइप होंगे मियोसिस के बेसिक दो टाइप है दोस्तों दैट इज मियोसिस वन एंड मियोसिस मियोसिस वन एंड मियोसिस मियोसिस वन एंड मियोसिस याद रखो और इस मियोसिस वन में फिर से दोस्तों इसमें भी क्या होगा दैट इज अ कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस यहां पे भी क्या होगा डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस कैरियोकाइनेसिस दोस्तों और यहां पे भी होगा दैट इज अ साइटोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस और इस कैरियोकाइनेसिस में अभी इंपॉर्टेंट है यहां पे कुछ इवेंट आते हैं एक होता है नाम सुना होगा आपने

फिर से यही दैट इज कैरियोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस काइनेसिस कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस कुछ इंपॉर्टेंट बातें तो ये कैरियोकाइनेसिस जो है ये जो मियोसिस टू का है यहां पे होगा दोस्तों वही पी मैट प्रोफेज टू प्रोफेज टू मेटाफेज प्रो टू मेटाफेज इज एनाफेज दू खूब कई गोषी वरुण जता घे जस्ट वेट मैं गोष्टी कम्प्लीट करू दू हा बेसिक कॉन्सेप्ट है मैटोसि का हा बेसिक कॉन्सेप्ट है ओके आता मैं जरा डी माइटॉसि बदल बोलते तो। क्लियर है क्लियर है क्या है? ओके ठीक आहे मिओसिस टू इज बेसिकली मायटोसिस एक्झॅक्ट तसं नाहीये वेगळे वे खूप जास्त आता जरा नीट लक्ष द्या काय सांगायला मायटॉसिस बद्दल मायटॉसिस म्हणजे काय लक्षात वाटत मायटोस म्हणजे थ्रेड इथं क्रोमोजोम थ्रेड सारखे दिसले होते म्हणून त्याचं नाव आहे मायटॉसिस मायटॉसिस काय दोस्तो अ, असेल डिव्हिजन असेल डिव्हिजन अ सेल डिविजन इन विच इन विच दोस्तों इन विच अ विचरेंट सेल मीन जो सेल डिवाइड होने वाली है वो अ सेल दोस्तों सेल डिवाइड डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल इनटू दोस्तों इनटू टू डॉटर सेल टू डॉटर सेल्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोजोम हैविंग इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोजोम हैविंग इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोजोम सो दोस्तों माइटोसिस इट इज ऑल्सो नोन एज इट इज ऑल्सो नोन एज दोस्तों इक्वेशनल डिविजन इट इज ऑल्सो नोन एज एक्वेशनल इक्वेशनल

डॉटर सेल एंड पैरेंट सेल आर सेम ऑफ डॉटर सेल डॉल सेन ऑकर इनपोलॉयड और डिप्लॉयड सेल मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है ओके okay, ये जो है माइटोसिस दोस्तों

एंड कैप्सूल समझा ये सभी क्या है ऑल दिस आर दोस्तों डिप्लोइड क्रोमोसोम नंबर चेंज होईल इतका नाही सेल डिविजन आता छोटा एक जायगोट एक सिंगल सेल होती आता एक छोटा सा स्ट्रक्चर तयार झाले हे आहे दैट इज अ एग्जांपल इन डिप्लोइड सेल एग्जांपल इन डिप्लोइड सेल माइटोसिस का एग्जांपल जरा समजून घ्या ठीक है माइटोसिस माइटोसिस काल अदा पुढ़ जो तुम्हारा संग समझ संगत दैट इज एग्जांपल ऑफ माइटोसिस इन हेप्लॉइड सेल दैट इज दोस्तों माइटोसिस इन हेप्लॉइड सेल होता का होता ना माइटोसिस इन हेप्लॉइड सेल होता हाँ हेप्लॉइड सेल समझ संगत फॉर एग्जांपल जरा लक्षण दे नंबर वन इसका एग्जांपल है दोस्तों मान लो ये है हेप्लॉइड स्पोर ये जो हेप्लॉइड स्पोर है

बरं हे जे हेपोलाइड गॅमेटोफाईट तयार झाले एक प्लांट बॉडी ही ग्रो होईलच ना इथं रूट लाइक रायझॉइड स्टेम लाईक स्ट्रक्चर येतील प्रॉपर प्लांट बॉडी तयार होईल इथं सेक्स ऑर्गन बनतील इज हे सगळं तयार होईल ना ऑल आर बाय मायटॉसिस मग याच्यामध्ये काय असणार आहे ह्या मध्ये लक्षात ठेवा इथं काय असणार आहेत याच्यावर ह्या गॅमेटोफाईट वर दोस्तों दोन स्ट्रक्चर आहेत एक आहे सपोज फॉर एक्झाम्पल अ एंथ्रेडियम दैट इज अ मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रेडियम हाँ है अर्चिगोनियम दट इज अ फीमेल सेक्स ऑर्गन ये दोनों क्या है ये दोनों दोस्तों क्या है ये दोनों भी हेप्लॉयड है सिंगल एन क्रोमोजोन नंबर सेम ही है ना अगेन अंडर को दोस्तों माइटोसिस इनमें भी माइटोसिस होगा इनमें भी माइटोसिस होता है और फिर माइटोसिस क्रोमोजोन नंबर चेंज होना सर बगा दोस्तों क्रोमोजोन नंबर चेंज हो रहे

ओके okay. सांगितलंय आता बोलूया मिऑसिस बद्दल आणखीन खूप सारे हे मी रिलेटेड टू कुठं सांगितलंय आपलं ब्रायोफाइट्स रिलेटेड किंवा प्लांट्स रिलेटेड सांगितलंय मी आता तुम्ही बघा आणि पुन्हा मी सगळे एकत्र एक करून सांगतो जरा लक्ष द्या लक्ष द्या आता मिऑसिसचा काय कॉन्सेप्ट आहे मीऑसिसचा काय कॉन्सेप्ट आहे सांगतो समजून जरा लक्ष द्या आणि मग यांचं काय होईल लक्षात ठेवा पुन्हा यांचं काय होईल आता हे गॅमेट तयार झाले त्याच्या पुढे जर फर्टिलायझेशन जर झालं जायचं असेल तर हे गॅमेट तर तयार झालेत हे गॅमेट फ्यूज होतील फ्युजन ऑफ मेल अँड फिमेल गॅमेट त्या प्रोसेसला म्हणायचं असतं फर्टिलायझेशन लक्षात ठेवा आता काय महत्वाचं या प्रोसेसला म्हणायचं असतं फर्टिलायझेशन फ्युजन ऑफ मेल अँड फिमेल गॅमेट त्याला म्हणायचं असतं फर्टिलायझेशन मग काय आहे इथं हे लोक डिएम्प्लॉइड आहेत कोण दॅट इज एग इज हेप्लॉइड एग इज हेप्लॉइड अँथ्राझॉइड इज हेप्लॉइड फर्टिलायझेशन पासन जो प्रोडक्ट तयार होईल तो प्रोडक्ट काय असेल झायगोट म्हणून झायगोट हे डेप्लॉइड आहे तर असं बोललं जातं फर्टिलायझेशन रिस्टोर दी ऑफ दॅट ऑर्गॅनिझम हे एग हॅप्लॉइड अँथ्राझोयड हॅप्लॉइड फर्टिलायझेशन झालं फ्युजन ऑफ मेल एंड फिमेल त्या झालं झायगोट झायगोट डिप्लॉ झायगोड जे दोस्त झायगोट रिस्टोर झायगोट रिस्टोर डिप्लॉडी ऑर सॉरी फर्टिलायजेशन रिस्टोर डिप्लॉइडी ऑफ दॅट प्लांट परत पुन्हा ह्या झायगोडच काय होईल परत या जायगोडचं काय होईल लक्षात ठेवा परत मायटॉसिस तेच डिव्हिजन तेच आता जे बघितलं होतं मायटॉसिस तयार काय होईल लागले यम्रियो बना काय तयार होईल यम्रिओ एम्ब्रिओ तो पण कसा डिप्लॉइड परत मायटॉसिस काय होईल तयार काय होईल स्पोरोफाईट तयार काय होईल स्पोरोफाईट काय तयार होईल स्पोरोफाईट तो पण कसा तो पण कसा स्पोरोफाईट तो पण तसाच डिप्लॉइड हे पण डिव्हिजन कसं दॅट इज मायटॉसिस कोण सा डिव्हिजन मायटॉसिस समजा नाव प्लीज पे अटेन्शन नाव प्लीज पे अटेन्शन आता बघा ह्या स्पोरोफाईट पासन हॅप्लॉइड स्पोर बनलेत ह्या स्पोरोफाईट पासन हॅप्लॉइड स्पोर बनलेत स्पोरोफाईट डिप्लॉइड आणि स्पोर बनलेत हॅप्लॉइड सांगा लेकरांनो हे डिव्हिजन कुठला असेल हॅप्लॉइड स्पोर बनवायचे आता हे डिव्हिजन कुठला असणार ह्या स्पोरोफाईट मध्ये फूड सेट आणि कॅप्सूल कॅप्सूल मध्ये कॅप्सूलमध्ये मध्ये असेल तिथं कुठलं डिव्हिजन होईल आता काय टू एन टू एन चेंज करायचंय चे। टू एन टू एन आता होईल मिओसिस आता होईल मिओसिस ज्यावेळेस डिप्लॉइड पासून हॅप्लॉइड ची गोष्ट बनत असते त्यावेळेस बनत असतं मिओसिस अँड मिओसिस ऑकर ओन्ली इन डिप्लॉइड सेल इट नेव्हर एव्हर ऑकर इन हॅप्लॉइड सेल हे गॅमेटोजेनेसिस किंवा स्पोरोजेनेसिसच्या वेळेस होत असतं इट ऑलवेज अँड ऑलवेज अँड ऑलवेज ऑकर इन डिप्लॉइड सेल इट नेव्हर ऑकर इन हॅप्लॉइड सेल कळतंय का आणि एक लक्षात ठेवा ऑल दी हॅप्लॉइड सेल्स बिलॉंग टू गॅमेटोफायटिक जनरेशन अँड ऑल द रिप्लॉर्ड सेल बिलॉंग टू स्पोरोफाईड जनरेशन आता क्लिअर आहे तुम्हाला हे किती वेळेस मायटॉसिस व्हायला लागले आणि मिओसिस मात्र एकदाच होत असत आपल्या वेळेस मध्ये आपल्या वेळेस ज्यावेळेस पंप तयार होतात आपल्यामध्ये आणि फिमेल फिमेलमध्ये ज्यावेळेस ओहम तयार होतात त्याच वेळेस मिओसिस आहे बाकी जन्म झाल्यापासून तर मरेपर्यंत मायटॉसिस 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 पण ज्या ज्या वेळेस पंप तयार होतील त्यावेळेसच फक्त मिओसिस आहे आपली बॉडी जी वाढली बॉडी ग्रोथ ओके बॉडी रिपेअर टिश्यू रिपेअर टिश्यू ग्रोथ हे सगळं मायटॉटिक सेल डिव्हिजन मेंटेन करत असतं आणि मिओसिस मध्ये काय क्रोमोझोम नंबर मात्र हाप होत असतो टू एनच एन झालं बघा कळत आहे का आता क्लिअर आहे का ह्या दोन गोष्टी आता ह्या दोन गोष्टी क्लिअर आहेत का सांगा जरा मला आता ह्या दोन गोष्टी क्लिअर आहेत का सांगा जरा मला क्लिअर आहेत का हम्म हा आता परत येतो मी व्हॉट इज बीन बाय मिओसिस जरा लक्ष द्या व्हॉट इज वीन बाय मिओसिस बेसिक गोष्ट What is by उसके दो टाइप बात करेंगे म्योसिज द रिडक्शनल डिवीजन और स्पेशलाइज्ड सेल डिवीजन है ऐसा वैसा नहीं आए रहा है म्योसिस क्या है स्पेशलाइज्ड सेल डिवीजन इन विच अ पैरेंट सेल डिंग टू डॉटर सेल सॉरी फोर डॉटर सेल स्पेशल डिविजन सेल डिविजन सेल डिविजन इन विच इन विच इन विच दोस्तों इन विच अ पेरेंट सेल जो कि सेल डिविजन के अंदर जाने वाली है पेरेंट सेल डि डिवाइड इंटू फोर डॉटर सेल इंटू four daughter cell into four daughter cell into four daughter cells having or your daughter cell having those two half the number of half the having half the number of chromosome having half the number of chromosome as that of the parent cell chromosome as म्योसिस और म्योसिस की बात करो दोस्तों तो यहां पर सपोज यह है पेरेंट सेल यह है पेरेंट सेल यह उसका न्यूक्लियस ओके मान लो ये है पैरेंट सेल और ये है उसका न्यूक्लियस ओके दिस इज एन पैरेंट सेल नाउ ये जो पैरेंट सेल है इसमें है दोस्तों मान लो डिप्लॉयड है ये मियोसिस हमेशा डिप्लॉयड होता है क्रोमोजोम नंबर है फोर्टी मान लो क्रोमोजोम नंबर है इसमें फोर्टी चालीस है तो होगा क्या शुरू में होता है दोस्तों मियोसिस प्लांट एंड एनिमल मध्य सग सारा बटी है ये दो इसमें इस डिवाइड होगी ये है दोस्तों डिवीजन होता है यहाँ पे क्रोमोज नंबर हाफ होते है यहाँ पे क्रोमोजोम नंबर जो है दोस्तों हाफ होते हैं यही पे तो मियोसिस वन इज एक्चुअल रिडक्शनल डिवीजन तो यहाँ पे अगर देखेंगे हम तो ये जो दो डॉटर सेल बने हैं तो इनमें दोस्तों ये हेप्लोइड होंगे और इनमें क्रोमोसोम एक में होंगे 20 और ये भी हेप्लोइड और इनमें भी क्रोमोसोम नंबर होंगे 20 हाफ दी नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ दैट इज द पैरेंट सेल के हाफ ही बन गए ये होगा मियोसिस वन, और अभी फर्दर दे विल अंडरगो मियोसिस 2 इनमें दोस्तों मियोसिस 2 हो जाएगा इनमें मियोसिस 2 हो जाएगा मगर अभी क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होते वैसे के वैसे रहेंगे ओके okay? ये भी हेप्लॉइड ये भी हेप्लॉइड ये भी हेप्लॉइड दोस्तों और ये भी हेप्लॉइड सभी हेप्लॉइड होंगे दैट इज यन इज इक्वल टू ट्वेंटी यन मतलब हेप्लॉइड इज इक्वल टू ट्वेंटी ये भी हेप्लॉइड इज इक्वल टू तो ट्वेंटी और दोस्तों ये भी हेप्लॉइड इज इक्वल टू तो ट्वेंटी तो क्रोमोजोम नंबर नौ पेरेंट सेल में चालीस है यहां पर बन गए बीस और कितने सेल बन गए टोटल आप बोलोगे सर छह बन गए नहीं इन्हीं का डिवाइड होके बने हैं ना चार तो टोटल सेल बन गए तो, थ्री और फोर सो सेल डिवीजन इन विच पैरेंट सेल डिवाइड इनटू फोर डॉटर सेल द पेरेंट सेल इसे कहते मियोसिस और एक्चुअली जो रिडक्शन हो रहा है क्रोमोज़ोम नंबर में वो हो रहा है मियोसिस वन में तो दोस्तों इट इज कॉल्ड एज एक्चुअली ये रिडक्शनल डिवीजन है मियोसिस में कौन सा रिडक्शनल डिवीजन है अगर ये क्वेश्चन आता है तो वो है मियोसिस वन और ये जो है दोस्तों ये जो डिवीजन हुआ है ये है मियोसिस टू मियोसिस टू मियोसिस में दो होता है मियोसिस वन मियोसिस टू पहले जो दो सेल बनेंगे बाय मियोसिस वन और बाकी के जो फिर वो दो सेल बने हुए जो डिवाइड होते हैं

ऑकर इन दोस्तों डिप्लोइड सेल ऑलवेज ऑकर इन डिप्लोइड सेल ये डिप्लोइड सेल में ही होगा इट नेवर ऑकर इन हैप्लोइड सेल मियोसिस कभी भी हैप्लोइड सेल में नहीं होता है इट इज ऑलवेज ऑकर इन डिप्लोइड सेल और दोस्तों इट नेवर इट नेवर ऑकर्स इन इट नेवर ऑकर्स इन हैप्लोइड सेल हैप्लोइड सेल में कभी नहीं होता है

हाँ तो तुम्हारा संगत है कुटो होता जरा लक्ष दे ही म्यांसिस कुटो होता समझा हे है, है स्पोरोफाइट दोस्तों मान लो ये है स्पोरोफाइट ये है स्पोरोफाइट, ये है स्पोरोफाइट और ये है कैप्सूल ये है फूट सॉरी सेटा और ये है फूट मान लो ये है फुट ये है सेटा और दोस्तों ये है कैप्सूल ये है कैप्सूल ये है कैप्सूल समझा ये है कैप्सूल और ये क्या है स्पोरोफाइट और ये कैप्सूल के अंदर क्या है दोस्तों कैप्सूल के अंदर मान लो 1 2 3 4 और 5 कैप्सूल के अंदर दोस्तों ये है स्पोर मदर सेल क्या नाम है इनका इनका नाम है स्पोर मदर सेल इनका क्या नाम है दोस्तों ये है स्पोर मदर सेल जरा ये जो स्पोर मदर सेल है मैं इसको बड़ा करता हूं यह है स्पोर मदर सेल ओके क्या नाम है उनका स्पोर मदर सेल इनका नाम है दोस्तों स्पोर मदर सेल यह है स्पोर मदर सेल ओके इनका नाम क्या है यह है दोस्तों स्पोर मदर सेल और ये स्पोर मदर सेल सभी ये डिप्लॉयड है फूट डिप्लॉयड फूट क्या है ना मदर सेल भी क्या होंगे दोस्तों और ये बन गया तो इसी में क्या होता है ये जो स्पोर मदर सेल दोस्तों दे विल अंडरगो ये जो डिप्लॉय है ना दे विल अंडरगो दोस्तों में डायरेक्ट निकालता हूं दे विल अंडरगो मियोसिस इनमें होगा मियोसिस ये इनमें हो सकता है इनमें 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 मैं एक दिखा रहा हूं इनमें होगा मियोसिस कौन सा डिवीजन दोस्तों इनमें होगा कौन सा डिवीजन दैट इज असिस कौन सा डिवीजन है दैट इज असिस कौन सा डिवीजन मियोसिस तो स्पोर मदर सेल है नाम में ही काम है स्पोर मदर सेल है और नाम में ही काम है क्या नाम है स्पोर मदर सेल तो स्पोर के मदर सेल है ये मदर सेल हमेशा डिप्लॉइड होते हैं तो दोस्तों इनमें हो जाएगा मियोसिस और हमें मिल जाएंगे फोर हेप्लॉइड स्पोर एक इसमें चार बनते हैं ना तो हमें क्या मिल जाएंगे दोस्तों हमें मिल जाएंगे याद रखो दैट इज वन टू थ्री और फोर पहले तो चार पहले दो बनेंगे और फिर बाद में दो मैं वो, 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 नहीं लिख रहा है पे पर हमें मिल जाएंगे दोस्तों चार हेप्लॉड स्पोर हमें मिल जाएंगे चार हेप्लॉड स्पोर ये क्या बन गए दोस्तों ये बन गए ये जो बने हैं और सभी में कितने हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम और, और इनमें से हर एक हर एक हेप्लॉइड सेल की एबिलिटी होती है ये जो स्पोर है दोस्तों हर एक स्पोर ये बाहर आ जाएगा ये जो कैप्सूल ब्रेक होता है जब ये कैप्सूल दोस्तों ब्रेक हो जाएगा ये जो कैप्सूल जब ब्रेक हो जाएगा तो ये स्पोर जो है सपोज मान लो ये कैप्सूल ब्रेक हो गया तो ये स्पोर हर एक स्पोर दोस्तों बाहर आते हैं और एक स्पोर से ये जो एक स्पोर है मान लो दिस इज वन स्पोर ईच एंड एवरी स्पोर है एंड इससे नया गैमेटोफाइट बनता है इससे क्या बनेगा हर एक स्पोर से दोस्तों हर एक स्पोर से क्या बनता है हर एक स्पोर से नया गैमेटोफाइट बनता है समझा कुछ चीजें समझ में आ रही या नहीं इससे क्या बनेगा इससे बनेगा गैमेटोफाइट इससे क्या बनेगा दोस्तों इससे बनेगा दैट इज अमेटोफाइट इससे बनता है गैमेटोफाइट तो ये पे हुआ है डिप्लोय सेल में होता है ठीक है स्पोरोफाइट में ही मियोसिस होगा वो भी उसके कैप्सूल में कौन से सेल के अंदर स्पोर मदर सेल के अंदर कि हमेशा दोस्तों सेल में होता है मियोसिस हमेशा डिप्लॉयड में होता है याद रखो और वो डिप्लॉयड का हेप्लॉयड बना देता है समझे और हेप्लॉड का डिप्लॉयड कौन बनाता है मियोसिस दोस्तों डिप्लॉयड का हेप्लॉयड बनाता है और हेप्लॉयड का डिप्लॉयड बनाता है फर्टिलाइजेशन समझे नहीं फर्टिलाइजेशन ये देखो ये कॉन्सेप्ट देखो मियोसिस क्या करता दोस्तो? Now, है दोस्तों? हमेशा को समझो। नाउ सपोज एक एक सेल सेल है, है, उससे हमें हेप्लॉयड सेल बनानी है तो क्या लगेगा कौन सी प्रोसेस लगेगी दोस्तों कौन सी प्रोसेस लगेगी डिप्लॉयड से हेप्लॉइड टू एन से एन क्या लगेगा दोस्तों हमें बनाना है टू एन डिप्लोइड है उससे हेप्लॉयड कौन सी प्रोसेस मियोसिस माइटोसिस फर्टिलाइजेशन मियोसिस माइटोसिस फर्टिलाइजेशन क्या लगेगा बोलो क्या लगेगा हुँ? मियोसिस हाफ दी नंबर ऑफ क्रोमोजोन क्या लगेगा लगेगा मियोसिस क्या लगेगा दोस्तों मियोसिस लगेगा मियोसिस मियोसिस उसी हेप्लॉयड सेल से हमें फिर डिप्लॉयड सेल बनानी है दो हेप्लॉइड सेल है उनसे डिप्लॉयड बनाना है क्या लगेगा दोस्तों क्या लगेगा फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन ये ऐसा वापस नहीं आता है इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूं पर ये ऐसा कॉन्सेप्ट है क्लियर है मैं चीजें समझाता हूँ चीजें समझाता हूँ जरा देखो जरा ध्यान से देखो जरा मान लो एक डिप्लॉइड सेल है एक डिप्लॉयड सेल है क्रोमोसोम ये डिनोट दिना, करते दैट इज टू एन क्रोमोसोम नंबर लेंगे फोर्टी तो हमें इससे दोस्तों फिर से डिप्लॉयड सेल ही बनाना है ये डिप्लॉयड सेल ही बनाना है वो सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम और दो बनाने हैं डिप्लॉयड सेल तो क्या लगेगा कौन सा डिवीजन बोलो क्या लगेगा टू एन क्रोमोजोम नंबर फोर्टी कौन सा डिवीजन बोलो कौन सा डिवीजन माइटोसिस कौन सा डिवीजन माइटोसिस क्या लगेगा क्या लगेगा भैया लगेगा माइटोसिस लगेगा माइटोसिस समझे लगेगा माइटोसिस फिर हमें नंबर वन सिचुएशन है फिर हमें यह है सिनारियो सिनारियो ये है कि हेपोलॉइड सेल है सेल क्रोमोजोम नंबर है बीस इससे दोस्तों हमें बनाना है दैट इज और बहुत सारे हैप्लोइड सेल बनाने हैं क्या बनाना है बहुत सारे हेप्लोइड सेल बनाने हैं क्या लगेगा कौन सा डिवीजन लगेगा नंबर ऑफ क्रोमोजोम कौन सा डिवीजन सेम माइटोसिस ही लगेगा कौन सा डिवीजन माइटोसिस क्रोमोजोम नंबर सेम रहता है माइटोसिस क्रोमोजोम नंबर सेम रहता है नाउ नंबर तीन पे आते दोस्तों ओ oh, सॉरी नंबर तीन नंबर तीन पे आते बात करेंगे कि दैट इज नंबर तीन पे दोस्तों कि एक डिप्लॉइड सेल है यान क्रोमोजोम नंबर है फोर्टी हमें बनाना है इसका। इससे हमें चार एक नहीं तो बहुत सारे बनेंगे हेप्लॉयड सेल बनते हैं दोस्तों डिवीजन कौन सा डिवीजन कौन सा या फिर डिप्लॉयड से हेप्लॉयड बनाना है डिवीजन कौन सा ट्वेंटी डिवीजन कौन सा अब आ जाएगा मियोसिस क्या बात है अब आ जाएगा मियोसिस समझा अब आ जाएगा मियोसिस अभी दो हेप्लॉयड सेल है मान लो सी नंबर चार तो दो सेल है, एक से सेल सेल एक से बना नहीं सकते हम दिस इज प्लस और एक सेल है दूसरा एक हेप्लॉइड है दैट इज आल्सो यन इज इक्वल टू ट्वेंटी इन दोनों को जुड़ा के इन दोनों को इन दोनों से हमें क्या बनाना है दोस्तों इन दोनों से हमें बनाना है दैट इज डिप्लॉयड सेल इन दोनों से हमें बनाना है डिप्लॉयड सेल So, दो हेप्लॉइड सेल एक जगह पे आ गए तो क्या बनेगा दोस्तों अगर दो हेप्लॉइड सेल एक जगह पे आ गए तो होता है that is a fertilization. और फिर बनेगा इनसे दो इनसे हमें बनाना है दोस्तों डिप्लॉइड जैसे कि बनता है that is, is equal to 40. तो ये कुछ ऐसे प्रोसेस है समझे समझे यह है फर्टिलाइजेशन कहते है क्या यह फर्टिलाइजेशन हे फर्टिलायजेशन कळतंय बेसिक गोष्टी लक्षात आता जरा लक्ष द्या कळलं आता तुम्ही मला सांगा आता हे एकदा बघून घ्या मी क्रोमोझोम नंबर मनानेच घेतलाय ट्वेंटी ट्वेंटी समजण्यासाठी आता तुम्ही मला सांगा की गॅमेडोफाईट इज हेप्लॉइड अँड इज डिप्लॉइड असत इन प्लांट बघा काय सांगतो इन प्लांट दोस्तो इन प्लांट

ये गैमेट्स बनाएगा गैमेट फर्ड इज हेप्लॉइड एंड इट प्रोड्यूसेस गैमेट दूसरी बात नंबर वन पॉइंट हो गया गैमेट इज हेप्लॉइड एंड इट प्रोड्यूसेस गैमेट नंबर टू जो स्पोरोफाइट है दोस्तों स्पोरोफाइट इज डिप्लॉयड होता है स्पोरोफाइट इज डिप्लॉयड होता है और याद रखो स्पोरोफाइट इज डिप्लॉयड एंड दोस्तों इट प्रोड्यूसेस इट प्रोड्यूसेस

बिलोंग टू दोस्तोंग टू गैमरेशन दिलोंग टू गैमेटो एंड ऑल डिप्लॉय स्ट्रक्चर ऑल द डिप्लॉयड स्ट्रक्चर ऑल द डिप्लॉयड स्ट्रक्चर 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 बिलोंग्स टू बिलोंग्स टू दट इज अ स्पोरोफाइटिक जनरेशन बिलॉंग तू स्पोरोफाइटिक जनरेशन बिलॉंग तू स्पोरोफाइटिक जनरेशन ये बेसिक लक्षण टा ऑल द हेप्लाइड सक्चर बिलॉंग तू गैमेटोफाइट जनरेशन ऑल द डिप्लाइड सक्चर बिलॉंग तू स्पोरोफाइटिक जनरेशन क्योंकि स्पोरोफाइट इज डिप्लाइड एंड इट इट प्रोड्यूसेस हेप्ल

सांगा वरच काय असणार आहे ए आणि बी सांगा वॉट इज ए आणि बी ए काय असणार सांगा एचं काय आन्सर असणार आहे किती महत्वाचा पॉईंट ए काय असणार आहे ए काय असणार आहे बहुत ही बढिया फर्टिलायझेशन कुठून आलं रे गॅमेटो फाईट इज हॅप्लॉइड इट प्रोडस इस हॅप्लॉइड बायप्लॉइड टू हॅप्लॉइड डेप्लॉइड टू डेप्लॉइड बहुत बढिया आन्सर इज इज मायटॉसिस सेल डिविजन करता है का लक्षा हम्म लक्षा येत लक्षात क्रिस्टल क्लिअर आहे आता जरा लक्ष द्या आता किती वेळ झालाय हा हाय वेळ आता बघा जरा काय शिकवतो तुम्हाला समजा इमॅजिन करा समजा हे आहे

नाव गॅमेट तयार कराल का स्पोर गॅमेटो फाईट काय तयार करत गॅमेट का स्पोर सांगा काय तयार करत काय तयार कराल गॅमेट का स्पोर गॅमेट काय तयार करत गॅमेट तयार करत काय तयार करत गॅमेट लक्षात ठेवा समजा हे फिमेल गॅमेट्स काय तयार करत गॅमेट्स लक्षात ठेवा काय तयार करतं गॅमेट्स काय तयार करत गॅमेट्स सपोज हे फिमेल गॅमेट्स आणि हे मेल गॅमेट्स फिमेल गॅमेट्स और मेल गॅमेट्स लक्षात ठेवा म्हणजे ब्रायोफाइड बद्दल सांगायचं झालं तर दॅट इज फिमेल गॅमेट मेल गॅमेट म्हणजे फिमेल गॅमेट म्हणजे एक आणि मेल गॅमेट म्हणजे अँथ्रेझॉइड आता लक्षात ठेवा डिव्हिजन कुठलं रे डिव्हिजन कुठलं चला सांगा कुठलं डिव्हिजन मायटॉसिस मिसिस कुठलं डिव्हिजन असणार आहे मायटॉसिस कुठलं डिव्हिजन असणार आहे मायटॉसेस कुठलं डिव्हिजन मायटॉसिस बर आता तुम्ही मला सांगा यांचं झालं फ्युजन हे मेल अँड फिमेल गॅमेट झाले फ्यूज ह्या प्रोसेसला काय म्हणणार मेल अँड फिमेल गॅमेट झालं फ्युजन ह्या प्रोसेस काय नाव देऊ दॅट प्रोसेस इज नेम्ड ॲज दॅट प्रोसेस इज नेम्ड ॲज दोस्तो फर्टिलायझेशन दॅट प्रोसेस इज नेम्ड ॲज अ फर्टिलान दोसिस जुट गए हैं और अभी बनाया दोस्तों मान लो तो स्ट्रक्चर बनता है zygote. तो यह झाइगोट कैसे होगा बोलोट वि होगा दोस्तों Diploid क्या बन जाएगा इससे बन जाएगा Zygote, और यह होगा डिप्लॉयडोट में कौन सा डिविजन होगा बोलोट में कौन सा डिवीजन ताकि बनेगा. कौन सा डिविजन हो रहा है ताकि बन रहा है यमरीओ को जो की डिप्लॉइड है कौन सा डिविजन झाइगोट में ओके okay. कौन सा डिवीजन हो रहा है मियोसिस माइटोसिस माइटोसिस हो रहा है बहुत ही बढ़िया क्या हो रहा है माइटोसिस फिर दोस्तों इस माइटोसिस से क्या बन रहा है इस माइटोसिस से बन रहा है स्पोरो ये स्पोरोफाइट जो है ये स्पोरोफाइट बन रहा है दोस्तों माइटोसिस से डिवीजन क्या है सेम माइटोसिस डिवीजन क्या है सेम एम्ब्रियो से बन रहा है स्पोरोफाइट स्पोरोफाइट कैसा है स्पोरोफाइट कैसा है डिप्लॉयड है स्पोरोफाइट कैसा है टू ईयर डिप्लॉयड है दोस्तों नाउ दिस स्पोरोफाइट ये जो स्पोरोफाइट है दिस स्पोरोफाइट विल अंडरगो अ स्पेशलाइज्ड डिवीजन अब दोस्तों इससे बनेंगे दैट इज अ

ये कौन सा डिवीजन हुआ है यहाँ पे कौन सा डिवीजन है मियोसिस मियोसिस समझे ये हुआ है मियोसिस डिप्लॉइड से हैप्लॉइड और दोस्तों दैट ईच स्पोर हर उसमें से हर एक स्पोर का गैमेट फाइड बना है हर एक स्पोर जो है जो हर यान, 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 एक स्पोर -एक दोस्तों स्पोर से एक एक गैमेट बनेगा फाइड बनेगा तो यहाँ पे कौन सा डिवीजन है हेप्लोइड हेप्लोइड से heploid बन रहा है। डिवीजन कौन सा यहाँ पे माइटोसिस। यस, यस। दिस इज द कॉन्सेप्ट दिस इज द कॉन्सेप्ट दोस्तों ये है फर्टिलाइजेशन और फिर ऐसे दो फेजेस होते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हेट्रोमोर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मीन्स दो फेजेस है डिप्लॉड पोर फेज है और हेप्लॉयड क्वेश्चन है।, so है।, है, है, है आप बोल दो मुझे बोलना है यह क्लियर होगा यह क्लियर है यह क्लियर है, है? इस दिन आगे बढ़ते लास्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट ओके एक क्वेश्चन है

सोला क्योंकि फूड सेल है डिप्लॉइड और एंथ्रेजॉइड हैस ये ऐसे क्वेश्चन अर्थ है आंसर इज सोलह आंसर इज सोलह आंसर इज सोलह दूसरा क्वेश्चन लेते हैं दूसरा क्वेश्चन नाव number of chromosome number of chromosome in number of chromosome in dosto number of chromosome in haploid spore number of chromosome are sorry number of chromosome in spore of funaria number of chromosome in spore of funaria is dosto is that is man lo is 20, then is 20 then okay then how many chromosomes then how many chromosomes then how many chromosomes chromosomes are present in its sporophyte आंसर इज किती स्पोर का है हेप्लोइड म्हणजे 20 स्पोरोफाइट का है डिप्लोइड म्हणजे डबल होते 40 40 लास्ट पॉइंट बोलतो आणि थांबतो दोनच मिनिट राहिले लास्ट पॉइंट बोलतो आणि थांबतो जरा लक्ष द्या नाउ हमें ये पता चल गया अभी दोस्तों कि ये जो स्पोरोफाइट है इस स्पोरोफाइट से अगर किसी को गैमेटोफाइट में कन्वर्ट करना है जो कि हेप्लॉइड है यह डिप्लोइड है और यह गैमेटोफाइट जो कि हेप्लॉइड है तो कौन सा डिवीजन लगेगा कौन सा डिवीजन लगेगा दोस्तों विच डिवीजन इज दिस कौन सा डिवीजन लगेगा आंसर इज मियोसिस कौन सा डिवीजन है मियोसिस बन गया डिप्लॉय स्पोरोट का ओके बन गया डिप्लॉइड फोरफाइट्लोइ अभी ये गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर हमें डिप्लॉड्साइड में करना कन्वर्ट करना है कौन सा डिवीजन लगेगा माइटोसिस कौन सा डिवीजन लगेगा माइटोसिस का क्या लगेगा माइटोसिस या फर्टिलाइजेशन क्या लगेगा माइटोसिस फर्टिलाइजेशन लगेगा करतो मी थामा जरा लागणार आहे ए माइटोसिस वाले काय लागणार आहे जरा द्या काय लगे फर्टिलायझेशन होईल फर्टिलायझेशन फर्टिलायझेशन हेप्लॉइडचं डिप्लॉइट करायचं फर्टिलायझेशन लागतं लक्षात ठेवा हेप्लॉइडच डिप्लॉट करायचं फर्टिलायझेशन समजून घ्या ह्या बेसिक गोष्टी स्पोरोफाईट स्पोरोफाईटचं मध्ये कन्वर्ट करायचं डिप्लॉड हॅप्लॉइड गॅमेटोफाइट मध्ये मिऑसिस आणि गॅमेटोफाईट मध्ये कन्वर्ट करायचंय तर मायटॉसिस आणि हे असंच होतं हे जनरेशन अल्टरनेट होतात हैला मायस हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ओके डन आगे बढ़ते हैं कभी-कभी कभी-कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बना गए गय, बनाया गया है मेरे लिए तो इससे पहले सितारों में थी कहीं तुझे जमीन पर बुला गया है बुलाया गया है मेरे लिए पर कभी-कभी क्या होता है ये डायरेक्ट गैमेटोफाइट डेवलप होता है फ्रॉम स्पोरोफाइट विदाउट माइटोसिस क्या बात कर रहा हूं क्या बात कर रहा हूं दोस्तों क्या बात है उसे कहते हैं अपोस्पोरी अपोस्पोरी अपो मंजे अवे और विदाउट और स्पोर स्पोरी मीन्स स्पोर फॉर्मेशन अपोस्पोरी मीन्स विदाउट स्पोर फॉर्मेशन तो ये क्या प्रोसेस है आपोसपोरी ये डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट है डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट कभी कभी डायरेक्ट गैमेटोफाइट डेवलप होता है डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट फ्रॉम स्पोरो फाइट फ्रॉम स्पोरोपमेंट ऑफ स्पोर स्पोर कुछ नहीं बनेंगे अवे फ्रॉम स्पोर इसे कहते अपो स्पोरी और कभी कभी मेरे दिल में ख्याल ऐसा भी आता है कि यह गैमेटोफाइट से डायरेक्टली स्पोरोट बनते विदाउट फर्टिलाइजेशन उस प्रोसेस को कहा जाता है उस प्रोसेस का नाम है दोस्तों दैट इज ग्यामी। ग्यामी फ्यूजन वही नहीं होता है अपो उट आवे अपो विदाउट आवे तो ये क्या है दोस्तों इट डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम गैमेटोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम

तो आपोस्पोरी लगता है स्पोरोफाइट की डेवलपमेंट है गलत यहां पे आपो का मतलब होता है आपो मैं समझाने की कोशिश करता हूं स्पोरी ये दो शब्द है आपो का मतलब होता है विदाउट स्पोरी का मतलब होता है स्पोर मियोसिस नहीं होगा तो स्पोर बनेंगे क्या मियोसिस होगा तो नहीं होगा तो स्पोर बनेंगे क्या नहीं बनेंगे यहां पे आपोगी लोग सोचते हैं में ग्यामेटोफाइट डेवलप हो रहा है नहीं यहां पे आपो का मतलब है दोस्तों विदाउट विदाउट अर्गैमी का मतलब होता है यहाँ पे फ्यूजन विदाउट फर्टिलाइजेशन तैयार होना आता तुम्हारे प्रश्न है प्रश्न प्रश्न लेकर जो गैमेडोफ बनेगा पुरी से वो कैसा होगा हेप्लॉइड या डिप्लॉइड जो आपोसपुरी आप से ग्रामेडोफ बनेगा वो होगा या है तो डिप्लॉइड कारण होत हो दॅट विल बी दोड स्पोरोफाईट बनणार आहे ते कसं असणार आहे ते कसं असणार आहे आपोगॅमिस जे स्पोरोफाईट स्पोरोफाईट जे असेल ते असणार आहे हॅप्लॉईड आता जरा लक्ष द्या किती मोठं शिकवलंय मी काय माहिती आता एक आहे पाच मिनिटात रिव्हिजन घेतो जरा लक्ष द्या जास्त झाला का ओव्हरडोस ओव्हरडोस झाला का जरा आ? कम का मग रिव्हिजन उद्या घेऊ रिव्हिजन उद्या घेऊ का तुमचं लेक्चर असेल घेऊ आता पटकन एकदा एक रिव्हिजन सायकल सेल सायकल देर आर सिक्वेन्सियल इव्हेंट ऑकर इन द सेल ड्यूरिंग विच इट सिंथोसाईज डीएनए अँड अदर सेल ऑर्गनल टू टू डॉटर सेल सेल सायकलमध्ये दोन फेजेस असतात इंटरफेज एम फेज एम फेज म्हणजेच मायटॉसिस किंवा मी पण असू शकतात इंटरफेज ही रेस्टिंग फेज आहे प्रिपेरेटरी फेज आहे सेल्स स्वतःला प्रिपेअर करते डिवाइड होण्यासाठी आणि दुसरं काय ही सेल्स ऐकलंय इंटरफेज त्याचे तीन सब फेज असतात जी वन म्हणजे ग्रोथ फेज वन सिंथेसिस फेज डीएनए तयार होतो जी टू फेज म्हणजे ग्रोथ फेज टू आणि पी मॅट त्याचे चार डिव्हिजन आहेत कॅरिओ कायनासिस अँड सायटोकायनासिस कॅरिओ प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज आणि फेज आणि सायटोकायनासिस नंतर जर पुढे गेलं तर मग सेल सायकलमध्ये इंटरफेज चे जी वन एस आणि जी टू आणि एम फेजचं न्यूक्लियर डिव्हिजन किंवा सायटो डिव्हिजन न्यूक्लिअर डिव्हिजन म्हणजे कॅरिओकायनासिसा सायटो प्लाझ्मिक डिव्हिजन म्हणजे सायटोकायनासिसिसिसिसिस आणि या कॅरियोकायनासिसचं प्रोफेज मेटाफेज अनाफेज आणि टिलोफेज अगोदर न्यूक्लियर डिव्हिजन होत असतं नंतर सायटोप्लाझमिक डिव्हिजन नंतर पुढे जर गेला तर सेल डिव्हिजन दोन टाईपचे आहेत मायटोसिस म्युअसिस मायटोसिस इक्वल डिव्हिजन आहे मियोसिस रिडक्शनल डिव्हिजन आहे मायटोसिसमध्ये अ पॅरेंट सेल इज डिवाइडे सेल हॅव्हिंग द सेम नंबर ऑफ क्रमोझोम एज दॅट ऑफ द पॅरेंट सेल आणि मिओसिस बघा तुम्ही इथं पॅरेंट सेलमध्ये वीस क्रोमोझोम आहेत डॉटर सेलमध्ये क्रोमोझोम नंबर वीसच आहेत पॅरेंट सेल डिप्लॉइड आहे डॉटर सेल सुद्धा डिप्लॉडच आहे मिओसिसमध्ये उलटं असतं पॅरेंट सेल इज डिवाइडे इन टू फोर डॉटर सेल हॅव्हिंग हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोझोम ऍज दॅट ऑफ द पॅरेंट सेल इकडं पॅरेंट सेलमध्ये वीस क्रोमोझोम आहेत म्युआसिस वन नंतरच ते दहा दहा झाले आणि हे इकडे मिऑसिस टू आहे ते परत तिथं दहा दास राहतात आणि चार सेल तयार था झाले आता पुढचं बघा सेल डिव्हिजन मायटोसिस अँड मिओसिस मिओसिस मध्ये परत पुन्हा दोन असतात न्यूक्लिअर डिव्हिजन म्हणजे कॅरिओकॅनेसिस आणि सायटोकॅनेसिस म्हणजे सायटोप्लाझमो डिव्हिजन कॅरिओकॅनेसिसच्या पी मॅट पी एम टी पी मॅट प्रोफेज मेटाफेज अनाफेस टिलोफेज मिओसिस मध्ये दोन असतात मिओसिस वन मिओसिस टू मिओसिस वन इज अॅक्च्युअल रिडक्शनल डिव्हिजन ह्याच्यामध्ये मग मध्ये प्रोफेज मेटाफेज अनाफेस टिलोफेज आणि मिओसिस टू च्या मध्ये जन इन विच पैरेंट डिड इन टू टू डॉलिंग नंबर ऑफ क्रोमोजोम एंड इट इज नोन एस दोस्तों डिविजन एस क्रोमोम नंबर ऑफ डॉक्टर सेल एंड पेरेंट सेल आर इक्वल इट कैन आउ कर इन बोट डिप्लॉइड इन एप्लॉइड सेल एक्झाम्पल इन हेप्लॉड सेल झायगोड असं एम्रिओ पासून फूड सेटा कॅप्स्युल हे सगळं मायटोसिस मुळे व्हायला लागले दुसरं मायटोसिस हेप्लॉइड सेल हेप्लॉइड आहेत त्याच्यामध्ये मायटोसिस झालं गॅमेटोफाईट त्या गॅमेटोफाइट मध्ये मायटोसिस मध्ये होऊन ऍन्थ्रेडियम आर्च्यगोनियम अंत्रे, हे अँथ्रेडियम मध्ये मायटोसिस होऊन तयार झाले अँथ्रोसाइड आर्च्युगोनियम मध्ये सुद्धा मायटोसिस होऊन तयार झाले एक आणि हे एक अँड अँथ्रोझॉइड दोन हेप्लॉइड सेल फ्यूज होऊन प्रोसेस फर्टिलायझेशन तयार झालं झायगोट झायगोटमध्ये पुन्हा मायटोसिस झाला एम्रिओ एमब्रिओ मध्ये पुन्हा मायटोसिस तयार झाला स्पोरोफाईट मध्ये मिओसिस होऊन तयार होतो हॅप्लॉइड स्पोर पुन्हा आठ नंबरला बघितलं मिओसिस रिडक्शन डिव्हिजन याच्यामध्ये पॅरेंट सेल डिवाइड टू फोर डॉटर सेल हॅव्हिंग हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोझोम एस दॅट ऑफ द पॅरेंट सेल तुम्ही जर बघत असाल तर इथं रिडक्शनल डिव्हिजन हे आहे मिओसिस वन पॅरेंट सेल मध्ये चाळीस क्रोमोझोम आणि इकडे डॉटर सेल मध्ये वीस वीसच क्रोमोझोम आहे खाली पण वीस आहे मिओसिस ऑल्वेज ऑकर इन प्लॉइड सेल इट नेव्हर ऑकर इन हॅप्लॉइड सेल नंबर नाईन आता मग फूड सेटा कॅप्सूल आणि या मध्ये स्पोर मदर सेल आहे आणि ते म्युआसिस झाले स्पोर मदर सेल अंडर टू फॉर्म हेप्लॉइड स्पोर त्याच्यापासून इकडे गॅमेडोफॉड जनरेट होत असतात डिप्लॉड जर सेल असतील म्युआसिस ओनली ऑक इन डिप्लॉइड सेल त्याला हेप्लॉइड बनायचं असेल तर म्युआसिस लागतं परत दहा डिप्लॉइड चे डिप्लॉड करायचंय तर मायटॉसिस हेप्लॉइडचं हेप्लॉइड करायचंय तर मायटॉसिस डिप्लॉइडचं हेप्लॉइड करायचं आणि दोन हेप्लॉइड सेल आहेत त्यांना डिप्लॉड मध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर फर्टिलायजेशन इन प्लांट गॅमेटोफाईट हे हेप्लॉइड असतं इट प्रोड्युसेस हेप्लोड गॅमेट बाय मायटोसिस स्पोरोफाइट हे प्रोड्युसेस हेप्लाइड स्पोर बाय मिसिस इन प्लांट गॅमेट अँड स्पोर आर हेप्लॉइड दोन्ही पण हेप्लॉइड आहेत गॅमेट आणि स्पोर आणि फरक आहे दोघांमध्ये ऑल द हेप्लॉड स्ट्रक्चर बिलॉंग टू गॅमेटोफाईटिक जनरेशन ऑल द डिप्लॉस बिलॉंग टू स्पोरोफायटिक जनरेशन पुन्हा हे सांगितलं मी तुम्हाला काय होतं हे गॅमेटोफाईट आहे हे गॅमेट तयार करतो बायमाइटोसिस मेल फिमेल गॅमेट फ्यूज होतात फर्टिलायशन झायगोड त्याच्यामध्ये मायटोसिस तयार होत एमब्रिओ त्याच्यामध्ये मायटोसिस तयार होतो स्पोरोफाईट पुन्हा स्पोरोफाड मध्ये ऑसिस होतो तयार होत हेप्लॉइड स्पोर ह्याच्यामध्ये मायटोसिस होऊन तयार होतं गॅमेटोफाईड नंतर पुन्हा इफ द नंबर ऑफ इन फूड सेल फूड सेल डिप्लॉइड बत्तीस क्रोमोजोम किती असतील ते हॅप्लॉडे सोळा नंबर ऑफ इन स्पोर ऑफ फ्युनारिया ट्वेंटी स्पोर हेप्लॉइड असतात तर मग विचारले स्पोरोफाईडमध्ये किती असतील तर स्पोरोफाईड डिप्लॉडे हे किती चाळीस आणि मग मी तुम्हाला सांगितलं अपोस्पोरी आणि अपोगॅमि स्पोरोफाईट पसे मध्ये म्युआसिस होऊन तयार होतो गॅमेटोफाईट आणि गॅमेटोफाईटच्या तिथं फर्टिलायझेशन होऊन तयार होतो स्पोरोफाईट पण कधी कधी गॅमेटोफाईट इज डेव्हलप फ्रॉम स्पोरोफाईट विदाऊट म्युआसिसिस त्याला माहिती अपोस्पोरी अवे फ्रॉम ऑर विदाउट फॉर्मेशन सो डेव्हलपमेंट ऑफ गॅमेटोफाईट फ्रॉम स्पोरोफाईट विदाऊट मिऑसिस अपोस्पोरी आणि अपोगॅमि म्हणजे डेव्हलपमेंट ऑफ स्पोरोफाईट ओके डायरेक्टली फ्रॉम गॅमेटोफाईट विदाउट फर्टिलायशन त्याला म्हणायचं अपोगॅमी नो दॅट इज थँक यू सो मच कळतय का लगेच पीडीएफ सेंड करतो डन काय बेसिक गोष्टी क्लिअर झाल्यात डन थांबूया बाय ठीक आहे कसं वाटलं तुम्हाला हे लेक्चरला मॅरेथॉन घेतलंय मी आता हे खूप बऱ्याच गोष्टी एका ठिकाणी शिकवल्या ओके समजलं तुम्हाला आता लक्षात येईल मी ऑसिस मायटॉसिस काय मला असं वाटलं की तेवढं करणं गरजेचं आहे खूप फास्ट झालं का क्लिअर झाले हे एकदा वाचा व्यवस्थित हा पीडीएफ लगेच सेंड करतो ठीक आहे क्रिस्टल क्लिअर झालं ना डाऊट काय असेल तर तुमचं आता नंतर विचारा लेक्चर आहे तुमचं तुमचे डाऊट रेडी ठेवा आज याच्यावरच डीपीपी असणार आहे आसार डीपीपी हचावरस है वाचा तो नहीं लगे संध्या का चलो लगे तुम्हारा पाठ होता है मी माइटोसिस मियोसिस माइटोसिस मियोसिस फर्टिलाइज़ ठीक है लगे दोन मिनट से तो तुम लगे लगे जाए का पांच मिनट नहीं नहीं पाच मिनिट आहेत तुम्ही जा तिकडं आलं लक्ष कॉल लगेच तुम्हाला पाठवून देतो तुमच्या बॅच वर जरा लक्ष द्या फास्ट बघा आलं एकदा वाचा आता कॉल केव्हा करू संध्याकाळी करा बाय हम्म तुमचे काही जे क्वेश्चन असतील तर आपण नंतर घेऊया तुम्हाला लेक्चरला उशीर होतो मग ते प्रॉब्लेम येतो नंतर हां भेटला ना पीडीएफ त्याची क्लॅरिटी बघा काही चुकणार नाही आता आता बघा हे कामाला येईल मायटॉसिस म्युसिस पुढं पार ठीक आहे बेसिक आहे मला कळू लागलं गाडी अडू लागली मायटॉसिस मिऑसिस मायटॉसिस मध्ये आता आता नहीं अड़कना ठीक है चलो बाय पढ़ते रहो